चलिए जरा भाभी जी के मोहल्ले में चले। जी हाँ, क्योंकि वहाँ विभूति नारायण को एक नया पेशा जो मिल गया है। भाई महाराज बन गए तो क्या हुआ, अगर फटे हाल है महाराज तो महाराज ही होता है, और इश्क फरमा रहे हैं भाभी जी के साथ। और किसके साथ? हमारे शाही खजाने में से 200 अशरफियां दे दो। महाराज आपके शाही खजाने में एक फूटी कौड़ी नहीं। ये महाराज विभूति नारायण मिश्रा आज खुद को महाराज बता रहे हैं। अब महाराज की तरह जेवर और कपड़े पहनने से क्या कोई महाराज बन जाता है क्या? अंगूरी भाभी के किचन में पहुँचे और शुरू हो गए इनके बोल बच्चन। हमारे परदादा जलेंद्र सिंह, हमारे दादा जलेंद्र सिंह, हमारे पिताजी भगेंद्र सिंह, इन सब ने अपने देश की रियासत की आन बान शान के लिए सर कटवा दिए, लेकिन कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। भोली भाली अंगूरी भाभी वो क्या जाने कि विभूति नारायण मिश्रा के दिमाग में क्या चल रहा है। दोनों के बीच गुफ्तगु हो ही रही थी कि सक्सेना भी आ गए सिपाही बनकर, और सिपाही सक्सेना ने महाराज की सारी पोल खोल दी कि ये महाराज कितने फटे हाल है। उसको हमारे शाही खजाने में से 200 अशरफियां दे दो। महाराज आपके शाही खजाने में एक फूटी कौड़ी नहीं। अब विभूति नारायण मिश्रा, अनीता भाभी की गैर मौजूदगी में आपने बहुत समय बिता लिया अंगूरी भाभी के साथ। अब आप थोड़े से शांत हो जाइए, क्योंकि अनीता भाभी लौट आई हैं। दुनिया के लिए महाराज हैं, लेकिन आपके लिए आपके वही पुराने आशिक। अब अनीता भाभी आपको ऐसे देखेगी तो फिर आपको पता है ना वो क्या करेंगी। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।